जवान की रिलीज के बाद एक पॉलिटिकल बहस शुरू हो गई है। लोग लिख रहे हैं कि शाहरुख ने किसी का नाम लिए बिना मजबूत पॉलिटिकल स्टेटमेंट दिया है। बीते कुछ समय में शाहरुख और उनके परिवार के साथ जो बीता, लोग उससे पॉलिटिकल कनेक्शन निकाल रहे हैं। आर्यन खान की गिरफ्तारी के वक्त शाहरुख ने पब्लिक में आकर कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। आर्यन के रिहा होने के बाद भी शाहरुख ने कुछ नहीं कहा। फिर पठान आई, काफी लोगों ने उसे आर्यन खान वाले केस की वजह से सपोर्ट किया कि एक आदमी है जो सिस्टम के आगे नहीं झुका। अब जवान आई है, फिल्म का एक सीन भयंकर वायरल हो रखा है। ये दरअसल एक मोनोलॉग है जहां शाहरुख का किरदार देश की जनता से सवाल करता है। शाहरुख अपने मोनोलॉग की शुरुआत में कहते हैं कि हम मोटरसाइकिल लेते वक्त उसकी माइलेज, आफ्टर सेल सर्विस के बारे में पूछते हैं, पेन खरीदते वक्त घिसा पिटी करते हैं, हर जगह हर वक्त हर चीज के लिए सवाल करते हैं, 5 घंटे चलने वाली कछुआ छाप के लिए इतने सवाल करते हैं, इससे मच्छर मरेगा तो ना, ये बदबू तो नहीं देगी, लेकिन 5 साल तक अपनी सरकार चुनते वक्त एक सवाल नहीं करते, कुछ नहीं पूछते। वो आगे कहते हैं, पैसा, जात पात, धर्म संप्रदाय के लिए वोट देने के बजाय जो आपसे वोट मांगने आए उससे सवाल पूछो। पूछो उससे अगले 5 साल तक तुम मेरे लिए क्या करोगे, मेरे बच्चों की शिक्षा के लिए क्या करोगे, उन्हें नौकरी दिलाने के लिए क्या करोगे, मैं अगर बीमार पड़ गया तो मेरे परिवार के लिए क्या करोगे, अगले 5 साल तक तुम मेरे देश को आगे बढ़ाने के लिए क्या करोगे। वोट देने से पहले जिस उंगली का आप इस्तेमाल करते हैं उस उंगली के जरिए सवाल करो, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो देश की हेल्थ सर्विस सिस्टम सुधारने के लिए, गरीब किसानों की मदद के लिए कोई विक्रम राठौड़ या आज़ाद की ज़रूरत नहीं होगी, आपकी उंगली ही काफ़ी है, क्योंकि आपकी उंगली में बहुत ताकत है। मेरी ये डिमांड पूरी करोगे तो आज़ादी किसको मिलेगी, आपको, सबको, आज़ादी गरीबी से, आज़ादी अन्याय से, आज़ादी करप्शन से। थोड़ा सा अपनी इस उंगली पर विश्वास करो, उसे यूज़ करो। जय हिंद। इस मोनोलॉग को शेयर कर लोग लिख रहे हैं कि शाहरुख ही ऐसा कुछ अटेम्प्ट कर सकते थे। किसी का मानना है कि शाहरुख शुरू से पॉलिटिकल कमेंट्री करते रहे हैं, फिर भी दिल हिंदुस्तानी का उदाहरण ले आए। शाहरुख अपनी फिल्म के जरिए सोशियो पॉलिटिकल कमेंट्री करना चाहते हों या नहीं, लेकिन डायरेक्टर एटली का ऐसा सीन रहा है। साल 2017 में उनकी फिल्म मर्सल आई थी, उसके एक सीन में विजय का कैरेक्टर कहता है कि GST और मंदिर बनाने जैसी चीज़ों पर पैसा खर्च हो रहा है, हॉस्पिटल बनाने पर नहीं। तमिलनाडु BJP ने इस पर विजय की खूब आलोचना की, फिर विजय के फैंस उसे डिफेंड करने आए, हैशटैग मर्सल वर्सेस मोदी जैसे हैशटैग चले, मामले ने अच्छा खासा तूल पकड़ा। शाहरुख ने जवान बनाई, आप एंटरटेन हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बस उतने में ही फिल्म पास हो जाती है, आगे आप अपनी सहूलियत के अनुसार पॉलिटिक्स खोजते हैं तो आपकी कॉल है। ये पूरी जानकारी आपके लिए इकट्ठा की थी मेरे साथ ही यमन ने, मैं हूं गरिमा, आप देख रहे हैं ललन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।